हमें यंग रखने के लिए, हमें तंदुरुस्त रखने के लिए खाना बहुत जरूरी है। इसी तरीके से हमें तंदुरुस्त रखने के लिए, हमें खुश रखने के लिए, हमें हेल्दी रखने के लिए नींद भी बहुत जरूरी है। लेकिन कुछ लोगों को नींद नहीं आती, एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। बहुत लोग ये पूछते हैं कि ऐसा कुछ घरेलू उपाय बताएं जिससे हमें नींद अच्छे से आए। नींद क्यों जरूरी है? नींद जरूरी है इसीलिए तो दिन और रात बने हैं, इसीलिए तो सोते हैं लोग। एक एक सर्कल बना हुआ है कि इतने घंटे काम करो उसके बाद सो, और सोने से आपकी बॉडी जो है वो फ्रेश होती है, आपके सेल्स का जो वेयर एंड टेयर हुआ था वो रिपेयर होता है। आप जब सो रहे होते हैं आपके सारे वाइटल ऑर्गन्स अपना काम कर रहे होते हैं और बिना डिस्टर्बेंस के काम करते हैं, तो आपकी बॉडी हेल्दी रहती है। हेल्दी रहने के लिए अच्छी नींद लेना जरूरी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल, लेट्स नर्चर आवर माइंड। आज मैं बात करूंगी कि आप एक गुड साउंड स्लीप कैसे ले सकते हैं। कुछ ऐसी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कि आप सोने के लिए बिस्तर में लेटे और झट से आपको नींद आ जाए, और इतनी अच्छी नींद आए कि सुबह आप एकदम से फ्रेश उठे। लेकिन उससे पहले, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, अगर मेरा वीडियो पसंद आता है, तो प्लीज इसे लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक से मुझे बड़ा हौसला मिलता है, बड़ा मेरा मन करता है मैं कुछ और भी बनाऊं। आप अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए बात करते हैं अच्छी नींद के लिए क्या किया जाए। आज मैं आपके साथ बात करूंगी 6 फूड्स की, या आप कह सकते हैं 6 टिप्स की। अगर आप उनको अपना लेते हैं तो जब आप सोने के लिए जाएंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी और झट से नींद आएगी, बहुत गहरी नींद आएगी। इन फूड आइटम्स में सबसे पहले आता है हनी। हनी, लेकिन हनी कौन सा होना चाहिए? वो नेचुरल होना चाहिए, ऑर्गेनिक हो तो ज्यादा अच्छा है। आजकल मार्केट में मिलने वाले हनी में गुड़ और शक्कर मिला देते हैं और हनी बना देते हैं, वो हनी नहीं, नेचुरल हनी होना चाहिए। जो मधुमक्खी जो बनाती है वो असली वाला हनी होना चाहिए। अगर आधा चम्मच हनी रोज रात को, या तो दूध के साथ या तो अपनी हर्बल टी के साथ अगर आप पी के सोते हैं, तो आपको गहरी नींद आएगी। अभी रिसेंट स्टडीज में ये पाया गया है कि अगर आप हनी लेते हैं तो एक नया न्यूरोट्रांसमीटर अभी इन्वेंट हुआ है, जो आपकी बॉडी के अंदर ही है, जो हनी लेने से एक्टिवेट होता है, और वो है ओरेसिन। ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो आपके माइंड के पास एक मैसेज भेजता है कि ये बंदा सोने के लिए आया है और इसको झट से नींद आनी चाहिए। जब वो मैसेज ब्रेन के पास पहुंचता है, ब्रेन उसके लिए कोशिश करता है और आपको बहुत जल्दी गहरी नींद आ जाती है। इसमें आपके माइंड को रिलैक्स करने वाली प्रॉपर्टीज होती है। ये जो नया न्यूरोट्रांसमीटर है ये आपके माइंड को रिलैक्स करता है। जब माइंड रिलैक्स होगा, उसमें स्ट्रेस नहीं होगा, उसमें चिंता नहीं होगी, तो आपको नींद गहरी आएगी। तो नंबर 1 पर है हनी। नंबर 2 मिल्क। मिल्क सब जानते हैं कि गर्म दूध, और एक रिवाज भी है हमारे यहाँ इंडिया में, तो रात को गर्म दूध पी के सोते हैं हम लोग ताकि नींद अच्छी आए। और अगर दूध में थोड़ी सी हल्दी डाल दें और थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल दें तो दूध की क्वालिटी और अच्छी हो जाती है। उससे नींद के साथ साथ आपकी बॉडी भी डिटॉक्स होती है और आपके जो एनर्जी भी आपकी बढ़ती है, नींद भी अच्छी आती है। तो गर्म दूध हल्दी के साथ और उसके साथ ब्लैक पेपर, ये भी बहुत फायदेमंद होता है। दूध के अंदर ट्राइप्टोफेन होता है जो बॉडी को रिलैक्स करता है, माइंड को रिलैक्स करता है, और जब आपके मसल्स भी रिलैक्स होंगे तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। उसमें कैल्शियम भी काफी मात्रा में होता है और वो कैल्शियम इस ट्राइप्टोफेन की एक्टिविटी को और ज्यादा बढ़ा देता है, मतलब इसको और ज्यादा एक्टिव कर देता है, और जितना ये एक्टिव होगा उतने आपके मसल्स रिलैक्स होंगे। आपकी बॉडी में प्रोटीन के लेवल को मेंटेन करके रखेगा अगर आप गर्म दूध पीते हैं तो, और जब आपकी शरीर में प्रोटीन का भी लेवल सही होगा, आपको कैल्शियम भी मिल रहा है, ट्राइप्टोफेन भी आपका सही है, तो आपके जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो आपकी बॉडी में संदेश लाने ले जाने का काम करते हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे, और उनके एक्टिवेट होते ही आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। नंबर 3 पर आता है एलमंड्स, बादाम। बादाम विटामिन ई का अच्छा सोर्स है, इसमें बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स आपको मिलते हैं, इसमें ओमेगा 3 भी आपको मिलता है, और ट्राइप्टोफेन इसमें भी काफी मात्रा में आपको मिल जाएगा, जो कि एसेंशियल एक फैटी एसिड है, वो आपको मिलेगा। ये भी आपके माइंड को और बॉडी को रिलैक्स करने, मसल्स को रिलैक्स करने के लिए बहुत फायदेमंद होता है। अगर रेगुलरली बादाम खाया जाए तो एंग्जाइटी लेवल को और स्ट्रेस के लेवल को कम करता है। ये आप एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, जो आपके इंटेस्टाइन से फ्री रेडिकल्स को निकाल के उसको क्लीन करता है, उसको सही करता है, और आपकी ओवरऑल हेल्थ को अच्छा करता है।
ये आपके हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है। तो बादाम भी आपकी आप अगर डाइट में मिलाते हैं तो बहुत फायदेमंद है। नंबर 4 पर आता है ओट मील। अगर आप डिनर में ओट मील खाते हैं तो आपको कई सारे फायदे होंगे। एक तो वो लाइट रहेगा, आप हल्का खाना खा के रात को सोएंगे तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो मजबूत रहेगा और डाइजेशन का प्रोसेस बहुत अच्छे से होगा। ओट मील में आप दूध डाल लें, उसी में आप 2 बादाम भी डाल लें, उसी में आप थोड़ा सा हनी भी डाल लें, तो ये सब चीजें मिलके जो आपके मसल्स को रिलैक्स करने का काम करेंगी, आपके माइंड में एक सिग्नल भेजेंगी कि बॉडी नीड्स रेस्ट, बॉडी नीड्स स्लीप। और जब ये सिग्नल जाएगा तो आपका दिमाग और आपकी बॉडी उस कोशिश में लग जाएगी कि नींद जल्दी से कैसे आए और आपको नींद आ जाए। ओट मील में भी ट्राइटोफिन काफी मात्रा में होता है जो मेलेटोनिन बनाने का काम करता है, और मेलेटोनिन जो है वो नींद का हार्मोन है। मेलेटोनिन एक बहुत ही शर्मीला सा हार्मोन है जो लाइट में नहीं होता, जब अंधेरा हो जाता है आप आंख बंद करके लेटते हैं, कमरे में भी अंधेरा है, तब ये बनना शुरू होता है मेलेटोनिन, और जितना ये बनेगा उतनी जल्दी आपको नींद आएगी। इसको लाइट डिस्टर्ब करती है, ये लाइट बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो अगर आप फोन वगैरह भी पास में रख के सोते ना और मैसेज आते हैं ट्विंग करके आवाज आती है, हल्की सी लाइट आती है, तो मेलेटोनिन डिस्टर्ब होता है। इसीलिए अगर आप अच्छी नींद चाहते हैं तो अपने फोन वोन को अपने बेडरूम से बाहर रखें, तब आपको अच्छी नींद आएगी। आप एक नींद का माहौल बना के अपने बेड पर जाएं और ये सब चीजें आपने खाई हुई हैं तो देखिए कितनी जल्दी और कितनी अच्छी नींद आपको आएगी। आपने ओट मील खाया, आपने बादाम भी खाया, दूध भी पिया, आपका मेलेटोनिन बनना शुरू हो गया, आपको नींद की झपकी आना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर उस बीच में लाइट ऑन हो गई, उस बीच में आपका फोन बज गया, उस बीच में आपका किसी और कारण से आपको लाइट जलानी पड़ी, तो ये मेलेटोनिन गायब हो जाएगा, दोबारा बनने में फिर टाइम लगेगा। इसलिए आप अपने सोने का माहौल सही रखना आपको बहुत जरूरी है। नंबर 5 बनाना। आप बनाना भी खा सकते हैं, लेकिन बनाना जो है मेरे ख्याल से 6 बजे के बाद नहीं खाना चाहिए रात को। बनाना काफी अच्छा होता है, आप दिन में खा सकते हैं। केले में भी मेलेटोनिन, ट्राइटोफेन, विटामिन B6, मैग्नीशियम काफी मात्रा में होते हैं। अगर आपने अपनी डाइट में केले को भी शामिल किया हुआ है, केला भी आप खाते हैं, तो ये भी जब आप सोने जाएंगे तो आपकी काफी मदद करने वाला है। और नंबर 6 पर आता है वाटर, पानी। जी हाँ, पानी भी बहुत जरूरी है, और पानी तो आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए चाहिए। 8 से 10 ग्लास पानी डेली पीना चाहिए, लेकिन कोशिश करें कि मैक्सिमम पानी आप 6 बजे से पहले पी लें, रात को सोने से पहले पानी नहीं पिए, क्योंकि अगर रात को आपने ज्यादा पानी पिया तो किडनी के ऊपर एक्सेस प्रेशर आएगा। रात को जब अपना किडनी फंक्शनिंग कर रही होगी, आप सो रहे हैं, आपके सारे जो बॉडी पार्ट्स हैं, वाइटल ऑर्गन्स हैं, वो अपना एक उनका ऑटोमेटिकली स्लो डाउन हो जाते हैं और स्लो होकर वो अपना काम करते हैं। लेकिन अगर आपने पानी ज्यादा पिया रात को तो वो प्रेशर आपकी किडनी के ऊपर आएगा, जो आपके लिए सही नहीं है, और आपको बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ेगा। तो नींद अच्छी लाने के लिए एक अच्छी टिप है कि आप 1/4 ग्लास पानी पी के सोएं। इससे आपकी बॉडी भी हाइड्रेट रहेगी, नींद में आपको डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम भी नहीं होगा, और आपको नींद का जो प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगा। तो ये 6 चीजें हैं जो आपको अच्छी नींद लाने में आपकी मदद कर सकते हैं। आप इन सब 6 चीजों को डेली भी खा सकते हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप नहीं खा पाएंगे। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कोई 4 चीजें एक दिन खाई, दूसरी 4 चीज अगले दिन खाई, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन अच्छी नींद लाने के लिए सबसे जरूरी है सोने का माहौल सही होना चाहिए, आपके गैजेट्स जो है वो आपके रूम से बाहर होने चाहिए, आपका माइंड रिलैक्स होना चाहिए, आपको स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। अगर आपको नींद अच्छी आएगी तो स्ट्रेस अपने आप दूर हो जाएगा। अगर आपको नींद अच्छी आएगी तो मोटापा भी नहीं बढ़ेगा। मोटापे का भी एक कारण है नींद का माना, क्योंकि जब आपको नींद नहीं आएगी आप क्या करेंगे, चलो कुछ खा लेते हैं, एक्सेस कैलोरी आप खा लेंगे। आपको नींद नहीं आएगी, आपको स्ट्रेस रहेगा, स्ट्रेस और नींद ना आना ही दोनों मिलकर आपके मोटापे को बढ़ाएंगे, मोटापा कुछ और प्रॉब्लम लाएगा। तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर नींद नहीं आए तो। बहुत जरूरी है साउंड स्लीप लेना, कम से कम 6 से 8 घंटे की ऐसी नींद जिसमें आप डिस्टर्ब नहीं हो। ऐसी नींद कहते ना बच्चों की तरह सोना चाहिए, रिलैक्स होके सोना चाहिए, और ये चीजें आपको रिलैक्स होके सोने में बहुत मदद करेंगी। आप इन्हें अपना के देखिए, अपनी स्लीप क्वालिटी को अगर आप ठीक कर लेंगे तो आपकी लाइफ की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी।
करिए अपनी लाइफ की क्वालिटी को अच्छे, खा पी के ही करना है, कुछ चीज छोड़ने को मैं नहीं बोल रही हूँ, खा पी के करने को बोल रही हूँ। तो आप अपनी लाइफ की क्वालिटी को अच्छा करें, नींद की क्वालिटी को अच्छा करें, मोटापे को दूर रखें, और मेरे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।